एग्जाम में पास होने का कितना उम्मीद है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं, आज बारिश होने का कितना उम्मीद है, वह नौकरी पाने का कितना उम्मीद है, वहां जाने का कितना उम्मीद है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कितना उम्मीद है को बोलने के लिए आप कहेंगे व्हाट आर द चांसेस ऑफ। जैसे आज बारिश होने का कितना उम्मीद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेनिंग टुडे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ऑफ के बाद आने वाला वर्ब में आईएनजी होगा, यानी आपका वर्ब जीरंड के शक्ल में होगा। वहाँ जाने का कितना उम्मीद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट आर द चांसेस ऑफ गोइंग देयर। एग्जाम में पास होने का कितना उम्मीद है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ पासिंग इन द एग्जामिनेशन। डाटा को वापस आने का कितना उम्मीद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट आर द चांसेस ऑफ बैकिंग अप द डाटा। कामयाब होने का कितना उम्मीद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट आर द चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कितना उम्मीद है को बोलने के लिए आप कहेंगे व्हाट आर द चांसेस ऑफ, और इसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।